मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जा। आयुर्वेद की एक छोटी सी जानकारी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी होना है, रोगमुक्त होना है, तो अपने जीवन में तीन बातों का ध्यान रखे। अपना वात, पित्त और कफ, तीनों का संतुलन रखे। वो तीन तरह के दोष हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त, कफ। आपने सुना होगा ये त्रिदोष आधारित शरीर है। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज्यादा रोग आते हैं। जब पित्त बहुत बिगड़ जाता है तो लगभग 46 से 50 रोग आते हैं, और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 रोग आते हैं, और वात, पित्त, कफ तीनों बिगड़ जाएं तो 148 रोग आते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर और कैंसर तक जो आखिरी रोग माना जाता है, ये सब वात, पित्त, कफ के बिगड़ने का खेल है। तो इस देश के आयुर्वेद चिकित्सा के सबसे महान लोगों में से कुछ नाम आप जानते हैं, जैसे चरक ऋषि, जैसे सुश्रुत ऋषि। ऐसे एक ऋषि हुए बाघभट्ट। बाघभट्ट ऋषि ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है अष्टांग हृदयम, और एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अष्टांग संग्रहम। इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने 7000 नियम बताए हैं, उनमें से चार बताता हूं। अच्छे लगे तो आज से ही पालन करो, और दूसरों को भी बताओ, ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े। ये चारों नियम हैं वात, पित्त और कफ को संतुलित रखने के लिए। अब वात, पित्त, कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहें, तो उसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। ये पहला नियम। आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है, खाना खाते ही पानी पीते हैं हम तो सबके सब, और बिना पानी पिए खाना ही नहीं खाते। कई लोग तो खाने से ज्यादा पानी पीते, खाना कम खाते हैं पानी ज्यादा पीते हैं। ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना, क्योंकि महर्षि बाघभट्ट कहते हैं भोजनांते विषम वारी, माने भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा। इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पिए, कारण बता दो। कारण मैं बताना चाहता हूं सरल भाषा में। हम जब खाना खाते हैं ना, तो पेट में सारा खाना इकट्ठा होता है। पेट में एक स्थान होता है, उसको हम कहते हैं जठर। संस्कृत में, हिंदी में जठर कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एपिगैस्ट्रियम कहते हैं, हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय भी कहते हैं। ये जठर छोटा सा स्थान है। आपके पेट में नाभि है ना, उसके लेफ्ट साइड में बाईं तरफ छोटा सा स्थान है। सारा खाना आपका इसी स्थान पर आता है। जो भी आप खाते हो, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, कुछ भी खाओ, सब कुछ जठर में आता है। अब जठर में जैसे ही खाना इकट्ठा होता है तो उसमें आग जलती, और उस आग को कहते हैं जठर अग्नि। मिला के बोल देते हैं जठराग्नि। आप जैसे ही खाना खाते हो, पेट में, जठर में अग्नि जलती है, वो अग्नि खाने को पचाती है, और अग्नि खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अग्नि खाने को पकाती है। आपके रसोई घर में आप अग्नि जलाओ, उसके ऊपर दूध रख दो, दूध में थोड़ा चावल डाल दो, अग्नि जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहेगी। आप घर में अग्नि जलाओ, उसके ऊपर पानी रख दो, उसमें दाल डाल दो, दाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अग्नि जलेगी। ऐसे ही पेट में होता है, जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अग्नि जलती है, और जब तक अग्नि जलती है तो खाने के पचने की क्रिया चलती है। जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में भी खाना पकता है, इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में उसको डाइजेशन कह देते हैं। तो आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जल गई, अब वो खाने को हजम करेगी, पचाएगी। अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप, कि जैसे ही आपने खाना खाया, पेट में अग्नि जल गई और वो खाने को पचा रही है, तुरंत आपने गट 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 पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया, बर्फ मिलाया हुआ पानी पी लिया, फ्रिज का पानी पी लिया,
क्या होने वाला है, अग्नि जलेगी कि बुझेगी। अग्नि के ऊपर पानी डालो तो अग्नि और पानी की दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है। पानी अग्नि को बुझा देता है। तो आपने खाना खाया, अग्नि जली, पीछे से गटगट पानी पी लिया, अब अग्नि शांत हो गई, अब खाना पचेगा नहीं तो वो पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना 100 से ज्यादा विष पैदा करेगा और वो 100 विष आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे और जिंदगी भर आप बीमार पड़े रहेंगे। आपको मालूम है, कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है। ये गैस उन्हीं को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता। कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है, ये जलन उन्हीं को होती है जिनका खाना पचता नहीं। कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है, फूल जाता है, ये सब वो लक्षण हैं जब खाना पचता नहीं। तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ेगा तो विष पैदा करेगा और वो विष आपको बीमार करेंगे। इसलिए महर्षि बागवत ने कहा, खाना खाते ही पानी मत पियो। समझ में आया? फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिए? कम से कम 1 घंटे तक, 1 घंटे बाद पानी पियो। आप बोलोगे जी 1 घंटा क्यों? ये जो अग्नि जलने की क्रिया है ये लगभग 1 घंटे तक ही चलती है पेट में, उसके बाद अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, उसके बाद पानी पी लो। तो खाना अगर 10 बजे खाया तो 11 बजे पानी पियो, 11 बजे खाया तो 12 बजे पियो, 12 बजे खाया तो 1 बजे पियो, 1 घंटे बाद पानी पियो। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि खाना खाने के पहले पी लें क्या? हाँ पी लो, 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पी लो। 10 बजे खाना खाना है, 9:20 पे खूब पानी पी लो, जितना पी सकते हो। 11 बजे खाना खाना है, 10:20 पे पी लो, खूब पानी पी लो 40 मिनट पहले। आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है, खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे, कुछ और पी सकते हैं क्या पानी को छोड़कर? तो उसके लिए बागवत जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्सी पियो, मट्ठा। खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पियो, गन्ने का रस पी लो, संतरे का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, अनार का रस पी लो। अब आप कहोगे ये सब महंगी महंगी चीजें बता रहे हैं, गन्ने का रस, संतरे का रस, अनार का रस, पैसे तो है नहीं। तो सबसे सस्ता रस है नींबू का ही रस पी लो, शिकंजी बना के पी लो, वो तो सबसे सस्ता है। तो खाना खाने के बाद या तो दही की लस्सी पियो या रस पियो। और एक तीसरी चीज है, दूध पी सकते। तो खाने के तुरंत बाद पीना है तो दही की लस्सी या मट्ठा, खाने के तुरंत बाद पीना है तो कोई फल का रस, खाने के तुरंत बाद पीना है तो दूध, पानी 1 घंटे बाद पियो। और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सवेरे खाना खाते हैं जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं नाश्ता, तो फलों का रस पीना अच्छा, दोपहर को खाना खाएं तो लस्सी और मट्ठा पीना अच्छा, और रात का खाना खाएं तो दूध पीना अच्छा। जो लोग इस नियम का पालन कर सकते हैं जिंदगी में कभी भी 80 रोग उनको नहीं हो सकते। वात पित्त कफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं। तो ये पहला नियम मैंने आपसे कहा। दूसरा नियम एक और है और वो नियम ये है कि पानी कभी भी पियो, घूट घूट भर के पियो। जैसे गरम चाय पीते हैं, गरम कॉफी पीते हैं, गरम दूध पीते हैं, एक एक घूट भर के, एक एक सिप करके, ऐसे ही पानी पीने की आदत डालो। ये मुंह में एक बार गिलास लगा लिया, गटागट उसको खाली कर दिया, ये तरीका गड़बड़ है। एक घूट पानी, दो घूट पानी, एक बार में उतना ही पियो। आप बोलोगे ये क्या चक्कर है? बात ऐसी है कि एक एक घूट पानी जब हम पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है, और ये जो मुंह की लार होती है ये क्षारीय होती है और पेट में हमेशा अम्ल बनता रहता है। तो एक घूट पानी पिया, मुंह की लार इसके साथ अंदर गई, दो घूट पिया और ज्यादा गई, बार बार लार अंदर जाएगी तो क्षार पदार्थ पेट के अम्ल के साथ मिलेगा। पेट में अम्ल बनता है, मुंह में लार क्षारीय होती है, तो ये क्षार को अम्ल में मिला दिया जाए और ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी
कोई व्यक्ति के पेट को अम्लता नहीं होती, एसिडिटी नहीं होती, और पेट में अम्लता नहीं होती तो रक्त में अम्लता नहीं होती, और जिनके रक्त में अम्लता नहीं होती उनकी जिंदगी में कभी भी वात पित्त कफ के असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होती। इसलिए पानी घूट घूट करके पीना। मैं आपको एक छोटा सा मेरा ऑब्जर्वेशन बताता हूं, परीक्षण। आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ, मनुष्य को छोड़कर पशु पक्षियों को देखना शुरू करो, वो पानी कैसे पीते। किसी चिड़िया को पानी पीते हुए देखो, किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखो, वो चोंच के एक बूंद के बराबर ही पानी उठाता है। एक बार में एक बूंद पानी लेगा, फिर थोड़ी देर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर दूसरी बूंद लेगा, फिर चोंच चलाएगा, फिर पिएगा, फिर तीसरी बूंद। एक एक बूंद पक्षी पानी पीता है। कुत्ते को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है। शेर को पानी पीते हुए देखो, चाट चाट के पानी पीता है। जितने जानवर चाट कर पानी पीते हैं, जितने पक्षी एक एक घूंट पानी पीते हैं, किसी भी पक्षी और किसी भी जानवर को डायबिटीज नहीं है, किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई पक्षी ओवरवेट नहीं है, कोई पशु ओवरवेट नहीं है। वो सब स्लिम और ट्रिम है, क्योंकि वो इतने होशियार हैं कि पानी चाट के पीते हैं या घूट घूट करके पीते हैं। अब मुझे ये हैरानी होती है कि ये पशु पक्षियों को कौन सिखाता है। वो अपने जन्म से ये ज्ञान सीख के आते हैं। उनका कोई गुरु नहीं है, उनका कोई विद्यालय नहीं है, उनके कोई प्रशिक्षण शिविर नहीं लगते, फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट घूट पीना। और हम ये मनुष्य जिनके इतने गुरु, इतने विद्यालय, इतने कॉलेज, सीखने वाले, सिखाने वाले, और हम मूर्खों के मूर्ख घटाघट पानी पीते रहते। तो पानी पीने का तरीका बदल दो, घूट घूट भर के पानी पियो। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि जिंदगी में कितनी भी प्यास लगे, ठंडा पानी कभी मत पियो। बर्फ डाला हुआ पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, वाटर कूलर का पानी जिसका तापमान बहुत कम है, ये कभी मत पीना। क्यों? क्योंकि शरीर आपका गर्म है और पानी ठंडा है। अब होता क्या है वो मैं समझाता हूं सरल भाषा में। पेट तो गर्म है, अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने, तो अंदर झगड़ा होता है। और झगड़ा क्या होता है? या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गर्म करेगा। अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होते ही हृदय ठंडा होता है, हृदय के ठंडा होते ही मस्तिष्क ठंडा होता है, मस्तिष्क के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है, और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है। आपको मालूम है जब शरीर ठंडा पड़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते, निकाल के बाहर सड़क पर रख देते। जो घर आपने बनाया अपनी मेहनत से, शरीर के ठंडा पड़ते ही निकाल बाहर करते हैं उस घर में से, और फिर चिल्लाने लगते हैं लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, इसको जला के आओ, माने ठंडे शरीर की इज्जत नहीं है। तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो भाई, बंद कर दो। कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता, कोई पक्षी नहीं पीता। तो आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो, सादा पानी पीना शुरू करो। और गर्मी के दिनों में बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना, फ्रिज का और बर्फ का नहीं पीना। ये तीसरा नियम है। और चौथा और आखिरी नियम है कि आप सवेरे ही सवेरे जब सोकर उठते हो तो सबसे पहले पानी पियो। जैसे ही आपकी आंख खुल गई तो पहले 2-3 गिलास पानी पी लो, उसके बाद आप टॉयलेट में जाओ। उठते ही पानी पियोगे तो दो फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आंत को साफ करता है, और जैसे ही बड़ी आंत की सफाई होगी पेट पे दबाव पड़ेगा और आप संडास घर में जाएंगे, 2-3 मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा। जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिंदगी में कभी रोग नहीं आता। इसलिए सुबह सुबह उठते ही पेट साफ होना जरूरी है। और उठते ही पानी पियोगे तो मुंह की जो लार है वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी। सुबह पेट में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है। ये चार नियम हैं आयुर्वेद के। पहला नियम
खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पीना, दूसरा नियम पानी को हमेशा घूट घूट भर के पीना, तीसरा नियम कभी भी जिंदगी में ठंडा पानी नहीं पीना, और चौथा और आखिरी नियम सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। चार नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात पित्त कफ तीनों को संतुलित रख सकता है, और जिसका वात पित्त कफ संतुलित है उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है, और जो बीमार नहीं पड़ते हैं वो स्वस्थ और तंदुरुस्त और सुखी रहते हैं, उनकी जिंदगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है। आपको शायद मालूम है या नहीं, एक साल में हम जब बीमार पड़ जाते हैं भारतवासी तो साल का करीब 6 लाख करोड़ रुपया हमारा खर्च हो जाता है उन बीमारियों का इलाज करने। इसलिए इतना पैसा फालतू में हम खर्च करें हर साल 6 लाख करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। इससे बेहतर ये है कि हम बीमार ही नहीं पड़े और स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और ये 6 लाख करोड़ का जो खर्चा हम करते हैं बीमार पड़ने पर, अक्सर ये एलोपैथी की दवाएं खाने में खर्च होता है, और जो एलोपैथी की दवाएं हम खा रहे हैं जैसे पैरासीटामोल, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफिन बूटाजोन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन, ये सब ऐसी खराब दवाएं हैं जो दुनिया के देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी हैं, भारत में धड़ल्ले से बिक रही हैं और हमको बीमारियों से ज्यादा गंभीर बीमारियों में फंसा रही है। ज्यादातर दवाएं जो आप खाते हो वो किडनी खराब कर देती हैं, लीवर खराब कर देती हैं, आंतों में घाव कर देती हैं, विकलांगता आ जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। दुनिया में लगभग इस समय 84,000 दवाएं बिकती हैं, और आपको सुनकर हैरानी होगी उनमें से मात्र 117 दवाएं हैं जो काम की हैं, बाकी सब बेकार की दवाएं हैं। उन बेकार की दवाओं को खाकर हम 6 लाख करोड़ खर्च करते हैं, ये बहुत दुख और अफसोस की बात है। और ये 6 लाख करोड़ का खर्चा समाज के वो लोग करते हैं जिनको जिंदगी में हर समय अपना आर्थिक स्थिति को देख के चलना पड़ता है, जिनकी आमदनी बहुत नहीं है, जिनके घर में आमदनी के बहुत ज्यादा साधन नहीं है, उनको ये पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, किसी का घर बिक जाता है, किसी का खेत बिक जाता है, किसी के घर के गहने गिरवी रख जाते हैं, किसी को कर्ज लेना पड़ जाता है, किसी को कर्ज लेकर दोबारा कर्ज लेना पड़ जाता है। मैंने इस हिंदुस्तान में पिछले 15 साल के प्रवास में देखा कि गांव-गांव के गरीब किसान कर्ज ले लेकर ये महंगी दवाएं खाकर इलाज करते हैं, डॉक्टरों को पैसा देते हैं, दवा कंपनियों को देते हैं।